अपने अंदाज में बस मैं मंदिरा को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब उन्होंने शुरू किया था एक एग्जीबिशन में, उन्होंने एक स्टॉल से शुरू किया था और मैंने वहाँ से पहली साड़ी ली थी उनसे, और वहाँ से मंदिरा बेदी साड़ी शॉप और अब द एम स्टोर। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि अपने फील्ड से डाइवर्सिफाई करना एंड टू बी सक्सेसफुल और रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर टू सपोर्ट हर, शी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई एम हैप्पी फॉर। न्यू ईयर बहुत दूर है अभी, दिवाली। देखिए मैं एक लड़की हूँ, मुझे फैशन का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे एक एक्सक्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं शॉपिंग कर ही लेती हूँ। बट ऑफकोर्स हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली देसी कपड़ों की शॉपिंग होती है और उसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा कि ओपन हो गए हैं। हाँ, लुक माय पॉलिसी ऑन एनीथिंग इज कि आप लाइफ में किसी चीज़ को भी बैन करोगे तो वो गलत नज़रिए से निकलेगा, अंडरग्राउंड से निकलेगा, इन एन अनसेफ एनवायरनमेंट। सो आई ऑलवेज फील दैट बैनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, देर आर अदर वेज टू गेट अराउंड इट। तो होपफुली थिंग्स विल बी लीगल, सेफ फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द पेट्रंस, और ये हर किस्से में ऐसा होना चाहिए। नथिंग, आई डोंट बिलीव एनीथिंग शुड बी बैन, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड करेक्टली। I think it's extremely sad because I think creative artists have always been the messengers of peace. मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है और इंडियन आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया, और जो मोहब्बत हमें वहाँ पे मिलती है मैं बयान नहीं कर सकती। आई मीन वे एवर आई वेंट आई वॉज नॉट अलाउड टू पे फॉर एनी थिंग, यू नो, और यू नो बी एट माई टीम और माई सेल्फ, लोग गले मिल मिल के यू नो प्यार देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ रिलेशनशिप ऑफ आर्टिस्ट। सो आई थिंक इट्स वेरी सैड, आई फील के अ लेजेंड who is not being allowed to perform here should be allowed to perform here, and Mumbai is the center of entertainment, yahan nahi hoga to kahan hoga. Thank you.